जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान योग प्रशिक्षक सीधी भर्ती 2024-25। जी हां साथियों, योगा ट्रेनर की भर्ती आ चुकी है, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एक और नए जिले का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। योग करवाने का काम रहेगा साथियों, एक घंटे का काम है सुबह सुबह का, बस आपको योग करवाना है लोगों को। सेंटरों पर आपकी ड्यूटी रहेगी, ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी है साथियों, जिसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। अगर आप 12वीं पास हैं और योगा का आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, पूरी जानकारी को समझेंगे और जो ऑफिशियल इसका नोटिस है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। भर्ती का नोटिस जो जारी हुआ है वो भी आपको मिलने वाला है, उसकी भी चिंता ना करें। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को समझ लेते हैं, क्या खबर है, क्या नहीं है, नोटिफिकेशन आया है उसकी जानकारी को समझ लेते हैं। राजस्थान योगा प्रशिक्षक सीधी भर्ती 2024 योगा ट्रेनर की भर्ती है। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं साथियों। झोटवाड़ा जयपुर की यह भर्ती है। झोटवाड़ा जयपुर के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन है, फॉर्म भर करके आपको भेजना पड़ेगा। कहां भेजना है, कहां पर फॉर्म मिलेगा, जमा कहां पर होगा, सारी बात करांगा, एकदम सरल भाषा में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी है साथियों। योग करवाने का काम आपका रहने वाला है, ठीक है जी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर आप ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलने वाला है। तो देखो सारा का सारा टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे ही थाने भर्ती आएगी, जैसे नोटिफिकेशन सीधी टेलीग्राम पर ही डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम पे थे आराम से देख लीजिए, ठीक है साहब। आ जाओ अब आगे की बात करें, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब बात करें ऑफलाइन आवेदन कब से शुरू है, 18 जुलाई से फॉर्म शुरू है और 6 अगस्त 2024 इस भर्ती की लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 6 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हो। फॉर्म जमा कहां करवाना है वो भी चर्चा करेंगे। एज क्या है, 18 से 40 साल भी हो सकती है, 21 से 40 साल भी हो सकती है, मैं आपको कन्फर्म नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि साथियों इसमें पिछली साल जो भर्ती निकली थी उसका नोटिफिकेशन जो था उसमें 21 से 40 साल दे रखा था, लेकिन इसमें जब 12वीं पास और 6 महीने का योग डिप्लोमा मांग रहे हैं तो 18 साल का कैंडिडेट आराम से ये योग्यता धारण कर सकता है। तो मेरी राय ये है कि आप अपने सरकारी अस्पताल में चले जाएं झोटवाड़ा वाली में और वहां से जाकर के फॉर्म ले लें, अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर आपको 21 साल बता देता हूं तो 18 साल वाले कैंडिडेट इग्नोर कर देंगे इस भर्ती को कि सर ने 21 साल बता दिया है, हम तो 18 के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, तो हमारे लायक ये भर्ती नहीं है। मेरी एक जबान की वजह से मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, अगर आप इस भर्ती के इच्छुक हैं तो, इच्छा है तो, ठीक है ना साथियों। तो आप 18 साल के भी हैं तो एक बार जरूर जाके आए। कहां मिलेगा फॉरम, देखो मैं आपको बता दूं, फॉरम मिलेगा कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी झोटवाड़ा सिरसी जयपुर राजस्थान। ये सरकारी अस्पताल है साथियों, झोटवाड़ा में, सिरसी में, सिरसी झोटवाड़ा जयपुर में ये सरकारी अस्पताल है, इसमें आपको फॉरम मिलेगा, वहीं पर फॉर्म जमा करवाना है और आपको डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी है फॉर्म के साथ में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए साहब, काई कौन सा है, वही चाहेंगे जो थारकन पड़ा, आधार कार्ड ले लो, मार्कशीट ले लो, डिप्लोमो ले लो, है ना योगा वालों, और मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा जो भी तुम्हारे पास है वो भी लगा दो, ठीक है। दो फोटो ले जाओ, जो एक तो फॉरम में लग जाएगी, एक और एक्स्ट्रा लेके जाओ, ये है बस, और कुछ भी नहीं है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको फॉरम में लिखने पड़ेंगे, ठीक है साहब। ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले लो। योगा ट्रेनर की भर्ती है, 17 पदों पर यह भर्ती है, 12वीं पास योग्यता और 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए योगा वाला, तो आप इसमें फॉरम भर सकते हो। 6 महीना को वह, 1 साल को वह, चल
लेवल है वो, ठीक है साहब। और एक डिप्लोमा ये भी है आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी, ये भी अगर आप किसी के पास है योग्यता तो भी फॉर्म भर सकते हो। MBBS के साथ में 6 महीने का योगा डिप्लोमा किसी ने कर रखा है वो भी फॉर्म भर सकता है। UGPG में योगा से है तो भी फॉर्म भर सकता है। जैसे मान लो किसी ने BA BSc योगा से की हो वो भी फॉर्म भर सकता है। MA MSc योगा सब्जेक्ट से करी है तो भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रथम प्राथमिकता कौन से डिप्लोमा को दी जाएगी? BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, ये डिप्लोमा डिग्री अगर किसी के पास है भाई तो उसको प्रथम प्राथमिकता मिलने वाली है, ठीक है साहब। रोजिना 1 घंटा की ड्यूटी रहेगी, 250 रुपया मिलेगा साहब, दिन का 250 रुपये मिलेंगे आपको, 1 घंटे का योग कराने का काम रहेगा। सेंटरों पर जाना है, CHC PHC आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में औषधालयों में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। सरकारी अस्पताल होते हैं ना CHC PHC उनमें भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, जहां पर लोगों को 1 घंटे के लिए आपको योग करवाना है। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक भी टाइम हो सकता है, 6 से 7 भी हो सकता है, ठीक है, उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अधिकतम 1 सेंटर पर 1 ही कैंडिडेट को लगाया जाएगा और 6 सेंटरों के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। अगर 6 सेंटर की आप वो करते हो ना कि साहब मेरे को तो 6 सेंटरों में भी ड्यूटी लेनी है, तो भी आप 6 सेंटरों के लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर 6 के 6 सेंटरों में आपका नंबर आ जाता है तो भी आप आराम से ड्यूटी कर पाओगे, लेकिन मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा भाई। सुबह सुबह कैसे आप जा पाते हो, कैसे मैनेज कर पाते हो, वो तुम्हारी हेडक है, ठीक है। अच्छा साहब, वेतन वगैरह मैंने बता दिया, 250 रुपए 1 घंटे का, तो 1 सेंटर में कितने हो गए साहब, 10 दिन की ड्यूटी मिलेगी आपको महीने में। अच्छा, इस प्रकार से तो साहब हमारे 2500 रुपए ही हुए, बिल्कुल साथियों। लेकिन 1 महीने तक आप ड्यूटी ले सकते हो, वो कैसे ले सकते हैं? जैसे भाई आप ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ो, जो बड़ा बड़ा सेठ साहूकार है ना, मालिक जो लोग हैं, सेठ लोग हैं, उनको योग करवाओ ताकि वो आपको इनाम दे और वो आपको बोले कि सर आप तो डेली योग करवाओ, पैसे हम आपको दे देंगे, ठीक है। ऐसा होता है जब हम 12वीं कक्षा में होते हैं या कोई बड़ी क्लास में होते हैं और कोई टीचर नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि सर हम ट्यूशन कर लेंगे, या आप हम अपनी तरफ से भी टीचर लगा लेते हैं कि अलग से हमको कोई पढ़ा दे तो हम सारे मिलकर के पैसे दे दें, होता है कि नहीं होता है? तो इसी प्रकार ऐसे भी होता है यहां पर, जो भी सेठ साहूकार लोग योग करेंगे उनको सुबह सुबह योग आप करवाओगे तो वो भी मिलकर के आपको पैसा दे देंगे और आपकी पूरे महीने की सैलरी बढ़ जाएगी। ये है इसकी समस्या, सिस्टम साहब, ठीक है जी। चयन कैसे होगा? फॉर्म भरना है, डिप्लोमा में कितने अंक आए हैं उसके अनुसार आपका चयन होगा। जिसके डिप्लोमा में ज्यादा अंक है उसको पहले लिया जाएगा, अगर बराबर अंक है तो फिर एज किसकी बड़ी है उसको लगाया जाएगा। एज भी मान लो बराबर आ गई तो क्या करेंगे साहब, फिर ग्राम पंचायत का कौन सा कैंडिडेट है, उसी ग्राम पंचायत का, उसी तहसील का, उसी पंचायत समिति का, और सबसे पहले स्थानीय, जैसे कोई भी कैंडिडेट नजदीक का है, जैसे ये सिरसी झोटवाड़ा है तो सिरसी झोटवाड़ा का कैंडिडेट है तो वो नजदीक कौन सा है, किसके गांव में वो सेंटर बना हुआ है, किसके वार्ड में वो सेंटर बना हुआ है, उसी वार्ड के कैंडिडेट को प्रथम प्राथमिकता मिल जाएगी, उसी गांव के कैंडिडेट को मिल जाएगी। ऐसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी, इस प्रकार से आपका चयन होगा। यह है पूरी की पूरी जानकारी साथियों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।